खर मास में शुभ काम क्यों नहीं होते हैं और खरमास की पौराणिक कथा को आज आपको हम सुनाएंगे सूर्यदेव अपने सात घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं सूर्यदेव को कहीं भी रुकने की इजाजत नहीं है लेकिन रथ में जुड़े घोड़े लगातार चलने और विश्राम न मिलने के कारण थक कर चूर हो जाते हैं। की ऐसी हालत देखकर देखकर का मन भी एक बार द्रवित हो गया। जिसके बाद वे को तालाब के किनारे ले गए लेकिन सूर्यदेव को तभी यह भी आवास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा लेकिन जब वे तालाब के पास पहुंचे तो देखा कि वहां दो खर मौजूद है भगवान सूर्यदेव ने घोड़ों को पानी पीने और विश्राम देने के लिए वहां छोड़ दिया और खर यानी गद्धों को रथ में जोड़ लिया गद्धों को सूर्यदेव का रथ खींचने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी इस दौरान रथ की गति हल्की हो जाती है इस दौरान जैसे तैसे सूर्यदेव एक मास का चक्र पूरा करते हैं इस बीच घोड़े भी विश्राम कर चुके होते हैं इसके बाद सूर्य का रथ फिर से अपने गति में लौट आता है इस तरह हर साल एक क्रम चलता रहता है इसलिए हर साल खर लगता है खर में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरमाश में मन में किसी के प्रति बुरी भावना न लाएं। इस माह के दौरान मांस मदिरा और शराब का सेवन न करें संभव हो तो प्याज और लहसुन से भी परहेज रखें खर खरमास में बिछावन त्याग कर जमीन पर सोना चाहिए इससे सूर्यदेव की कृपा बरसती है खरमास में थाली छोड़कर पत्तल में भोजन करना बहुत शुभ माना जाता है खरमास में लोगों को किसी लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए खरमास में भगवान विष्णु की आराधना बहुत लाभकारी है भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत लाभकारी है माँ लक्ष्मी का आगमन होता है तुलसी की पूजा करनी चाहिए शाम को तुलसी के पौधों पर घी का अगर दीपक जलाएंगे तो इससे आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहेगी